अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ एक माइक के बारे में, और माइक के बारे में आपको बताऊंगा कि वो कौन सा माइक है जो मैंने परचेज किया है, क्योंकि मेरी जो वॉइस क्वालिटी थी उसका बहुत ज़्यादा मसला था। आप सब कहते थे कि वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं है, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में लिखा कि आप अपनी वॉइस क्वालिटी बेहतर करें। तो वॉइस क्वालिटी बेहतर करने के लिए मुझे एक अच्छी डिवाइस चाहिए थी, एक अच्छा माइक चाहिए था, तो वो मैंने वो माइक परचेज कर लिया है। जी नाज़रीन, तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो टच करते हैं जी हम माइक को, और ये माइक है जी SX31, और ये इसकी वॉइस क्वालिटी भी चेक करेंगे नाज़रीन। तो अभी करते हैं इसकी हम ओपनिंग, और ओपनिंग से पहले हम आपको इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे, इसके नए फीचर्स क्या हैं और इसमें क्या क्वालिटी है, इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है और इसकी कितनी रेंज है, सारा कुछ हम आपको दिखाते हैं जी। सबसे पहले जी यहाँ पे लिखा हुआ है जी 3-in-1 मल्टीफंक्शनल वायरलेस माइक्रोफोन। अच्छा जी, इसके अंदर जो है एक डिवाइस है, ये देख सकते हैं आप, एक डिवाइस है और इसके साथ दो माइक्रोफोन है, ठीक है। इसमें दो तरह के आते हैं जी, 1x1 है और 1x2। ये जो हमारा है, हमारे पास जो डिवाइस है ये 1x2 की है, तो इसकी हम ओपनिंग करेंगे। मेन चीज़ है वो ये है कि जी इसका बैटरी टाइम बैकअप जो है काफ़ी अच्छा है, यानी कि 12 से 14 घंटे इसका बैटरी बैकअप है, और इसकी जो रेंज है वो 30 मीटर तक है, 30 मीटर तक हम आगे जाके हम इसके साथ व्लॉग शूट कर सकते हैं। चलें जी, अब इसकी करते हैं ओपनिंग और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है और क्या सीन है इसके साथ। इसको पहले हमने ओपन कर लिया था इसको ऊपर से हमने, लेकिन ये है कि अभी इसका हम दिखाएंगे आपको किस तरह से इसका जी ये इसमें पैक होता है जी इस डब्बे में। तो इस डब्बे के अंदर क्या क्या है ये हम इसको आपको दिखाते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है। फिलहाल इसके अंदर ये डिवाइस है जी, सबसे पहले ये डिवाइस है, और इस डिवाइस के अंदर जो है 2-3 फंक्शन है। इसके अंदर पहला जो फंक्शन है वो ये है कि यहाँ पे आप इसको इसके साथ माइक लगा सकते हैं, यानी कि दूसरा माइक जो आप इसके साथ टच कर सकते हैं, अगर आप एक और माइक एक्स्ट्रा यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि दो तो इसके साथ है, तीसरा भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ये इसके अंदर मौजूद है। और ये है जी टाइप सी पोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे है जी आईफोन की, ये दोनों मौजूद हैं, और यहाँ पे ये टाइप सी की पोर्टेबल है, यहाँ पे ये टाइप सी कनेक्ट होती है जहाँ से ये डिवाइस चार्ज होती है। उसके बाद जी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे है हमारे पास ये वाला माइक है, ये पहला माइक और दूसरा माइक, ये दोनों माइक सेम है, सेम का रिजल्ट होगा, सेम चीज़ें, ठीक है जी। और इसके अलावा इस डब्बे में आता है जी क्या क्या आता है वो दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, इसके अलावा ये इसके अंदर ये इसके सारे जो फीचर्स के बारे में ये किताब है जी, इसको हमने नहीं खोलना क्योंकि हमें पता है सारा कुछ। तो ये है जी इसकी जो टाइप सी की USB पोर्ट है यहाँ पे, ये इसके साथ अटैच है। अच्छा जी, तो नाज़रीन ये हम इसको अभी जो है डिवाइस को इसके साथ हम कनेक्ट करने लगे हैं, अभी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे आईफोन के साथ, और फिर ये देखें डिवाइस अभी हो गई है जी हमारी कनेक्ट। और उसके बाद हम दूसरा काम जो है वो है जी ये मैंने इसको ऑन कर लिया है माइक को भी, ठीक है। यहाँ से ये इसका बटन लगा हुआ है, यहाँ पे इसको दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है, जैसे कि ये ऑन हो गया, ठीक है जी। अभी ये ऑन हो चुका है, अब हम इसके साथ ना ये अपनी आवाज़ जो है वो हम चेक करेंगे कि कैसी आ रही है। अभी इसके अलावा आवाज़ आप देख लें, और इसके साथ अभी आवाज़ कैसी आएगी ये हम आपको चेक करवाएंगे जी। नाज़रीन, तो ये हो चुका है जी हमारा माइक कनेक्ट, और अभी हम इसके साथ हम इसकी वॉइस से जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको वॉइस क्वालिटी आपको समझ आ रही थी, पहले वॉइस क्वालिटी और थी, और अब हमारी वॉइस क्वालिटी आपके सामने है इस माइक के साथ। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त वॉइस क्वालिटी है अभी। अच्छा नाज़रीन, इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, और जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि यहाँ से आप जो है आवाज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये इसके बटन लगे हुए हैं, यहाँ से कम होती है, ये देखें। अब मैं इसकी आवाज़ कम कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपको कम आ रही होगी, ठीक है। अब मैं इसकी आवाज़ ज़्यादा कर रहा हूँ, ये देखें अभी आवाज़ मेरी ओवरलोडेड होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, और इसका एक और फीचर जो फीचर्स जो बाकी की डिवाइसेस में नहीं मिलता, बाकी के माइक्स में नहीं आता, वो ये है कि यहाँ पे ये ऑक्स केबल का भी यहाँ पे एक ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट जो है आप फोन के साथ इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके अंदर ये फीचर्स भी मौजूद है जी। तो नाज़रीन, अभी हमने अपनी डिवाइस को कर लिया है जी इसके साथ आईफोन के साथ अटैच, और हमारा माइक हो चुका है इसके साथ कनेक्ट,
और माशाल्लाह से बहुत अच्छी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो रही है हमारी। आप चेक कर रहे होंगे कि कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी, और बिल्कुल साफ सुथरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी मेरे ख्याल में, ये आप चेक करें। और ये अभी इसके साथ बिल्कुल अटैच है जी, ये है हमारा जो माइक है SX31, और SX31 में आपको रिकमेंड करूंगा आप ये इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आप इसके इसके फीचर्स से काफ़ी मुतासर होंगे, मैं तो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ भाई इससे, और मेरी नेक्स्ट जो व्लॉग आएंगे वो इसी के साथ आएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और आज का हमारा व्लॉग इतना था, मैंने रिव्यू करना था इसके हवाले से आज वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अंजुम हुसैन को, अल्लाह हाफिज।